अर्जुन यहाँ पे हाँ जी मेरा सवाल आपसे है, सिंस यू प्लेइंग कमांडोस एनएसजी कमांडोस, तो एक आप ट्रेनिंग का प्रोसेस प्लीज बताइए, बिकॉज नाउ वी हैड रियल कॉर्नल एज वेल ऑन सेट, तो आप बताइए हाउ वाज इट ट्रेनिंग गेट इट टू द पोस्चर टू गेट इट टू एवरीथिंग, सो इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट. कौन कैन वी हैव द अटेंशन ऑफ साइलेंस प्लीज. बेसिकली ये बहुत आसान लगता है कि आपने यूनिफॉर्म पहनी और थोड़ा सा बाल छोटे करवाए और उसके बाद गन पकड़ी और चिल्लाते हुए चले गए, इस तरह से नहीं है. यहाँ पर खास तौर पे इस सीरीज के अंदर, क्योंकि ये रियल लाइफ कमांडोज के बारे में है और मैं एक रियल लाइफ कमांडो जो अभी भी सर्व कर रहे हैं मणिपुर में, कर्नल सुनील शेवाकू का पार्ट प्ले कर रहा हूँ. अर्जुन इज प्लेइंग द मार्टर मेजर संदीप कृष्ण. उनको रिलीव करना, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको रिलीव करना और किस तरह से इंडियन आर्मी के जो ऐसे कमांडोज हैं वो ऑपरेट करते हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या उनका तरीका होता है, क्या उनका फुटवर्क होता है और क्या उनका एक एटीट्यूड है, वो सीखना बहुत ज़रूरी था. और उसके लिए कर्नल संदीप सर हमारे गाइडिंग लाइट बने, उन्होंने सिखाया. हम लोगों ने वेपन ट्रेनिंग की है, जो वेपन्स एनएसजी कमांडोज यूज करते हैं हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग की, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं एज यू नो एज ए यूनिट, उसकी ट्रेनिंग की. एंड ऑफ कोर्स जो भी एफर्ट C5 की तरफ से हो सकता था टू मेक अस लुक द पार्ट इन टर्म्स ऑफ आवर यूनिफॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ आवर स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, एंड किस तरह से आप किस तरह से आप लोग फ्रॉम रियल लाइफ टू रियल लाइफ में आते हैं, वो एक प्रोसेस था. मुश्किल नहीं कहूंगा मगर सीखने वाला जरूर था और काफी कुछ सीखने वाला था, जो आई थिंक कर्नल सर ने हमें और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ऑथेंटिक उसको कर सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस देख रही है, एनएसजी ने खुद देखना है इस सीरीज को, तो उनके सामने हम कहीं शर्मसार नहीं हो जाए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा बॉडी वंडर है, अच्छा बॉडी वंडर कंसीडरिंग द फैक्ट कि आपने कहा कि मेरा पहला शो भी था वो इट वाज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो वो ट्रेनिंग कितनी हेल्प आई है, इज इट लाइक यू नो यू हैव रिविजिटेड दोस डेज या जस्ट बीन अ लेवल. I'll just pick it up from there. I just like Colonel Sandeep Singh jo hai, I think he really helped us. Pehle to usually jo filmi jo TV pe bhi dikhate hain wo utni training wahan par bhi main training ke liye gaya tha, lekin yahan par like right from the check all yeah, so right from the way you stand, the arm, you know, the angle that you're supposed to bend kitna होना चाहिए, सो ही इज बीन करेक्टिंग अस ईच एंड एवरी लिटिल थिंग. एंड यूजुअली व्हेन यू शूटिंग, जब आप उस प्रोसेस में होते हो कई बार वो यू नो चुप जाता है, या ऐसा नहीं कि हमने एक महीने की ट्रेनिंग की है बट अ फ्यू डेज विद हिम एंड ही इज ऑलवेज देयर ऑन सेट, दैट इज यू नो हैट्स ऑफ टू हिम. वो हर बार जब शूट हो रहा है सेट पे होते हैं टू मेक श्योर दैट वी डू इट करेक्टली, बिकॉज जब भी हम उनसे पूछते हैं सर आप इतने इन्वॉल्व हो, तो वो कहते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मैं अपने सोल्जर्स के पास कभी उनसे बात करूँगा, जब वो लोग ये सीरीज़ देखेंगे तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग कहें कि सर आपने ये क्या किया. सो ही इज सो सीरियस एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एड्स टू द सीरीज, इट्स इट हेल्प्स अस एज एक्टर्स और इट्स जस्ट अमेजिंग टू डू इट एग्जैक्टली द वे इट हैपेंड. एक्चुअली जब हुआ होगा वहाँ पर 26/11 को तब क्या हुआ, कैसे वो कमांडोज अंदर थे, क्या उनकी साइन लैंग्वेज थी, द वे ही स्ट्रेटजाइज्ड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस एंड टू मेक श्योर दैट वी डोंट डू इट इन द रॉन्ग वे. सो दैट इज रियली द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो एंड इट्स जस्ट एन ऑनर लाइक आई सेड बिफोर.
to play Sandeep Unnikrishnan's role because he was the training officer. So मेरे लिए तो और भी ज़्यादा important है क्योंकि I'm the training officer कि मैं सब कुछ सही करूँ कि पता चला बगल वाला सही कर रहा है और मैं नहीं सही कर रहा तो बहुत ख़राब लगेगा. So I'm very focused on what I'm doing and I'm absolutely excited for it to Thanks. Thank you. One last question about NSG. That everybody should hear. NSG is so precise कि वो एक मोटो फॉलो करते हैं. One shot, one kill, no luck, all skill. They are that precise. Wow. अभिमन्यु सिंह अप्रोच मी फर्स्ट. तो वो जो किताब लिखी है संदीप उन्नीथन ने थ्री सीज ऑफ मुंबई, वो किताब मैंने पूरी पढ़ी हुई है और वो किताब जो है वो सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब है. तो जब मेरे को ये पता लगा कि इस स्टोरी पे, इस किताब पे ये सीरीज़ बन रही है तो मैं अपने आप इसमें इंटरेस्टेड हो गया क्योंकि कोई अगर सच्ची कहानी को दिखाए तो मेरे को ये लगा कि, और उन्होंने मुझसे पूछा जब कि आप इसको हमारी हेल्प कर सकेंगे, तो मेरे को भी ये लगा कि कोई अगर एनएसजी के बारे में आ रहा है, बता रहा है, इस तरीके की पिक्चर मूवी सीरीज़ बहुत कम बनती हैं हिंदुस्तान में, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये भी कई आम मूवी की तरह बने और इसमें सच्चाई के बहुत नज़दीक बने. असली जो ऑफिसर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं, कमांडो बने हुए हैं, वो ही एक्शन करें जो एक्चुअली कमांडो करते हैं. तो मेरे को भी लगा कि मेरे को इससे जुड़ना चाहिए तो मैं खुद इसमें इंटरेस्टेड हूँ. सबसे पहले तो सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव लिव्ड एंड गॉन थ्रू. और तो बहुत ही और Z5 पे था. अपार्ट फ्रॉम दैट जब मुझे मेरे किरदार के बारे में पता चला कि संदीप उन्नीकृष्णन का रोल, तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया बिकॉज आई न्यू उनकी कहानी मुझे थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तब आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे ये रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है. एंड तो इनसे काफ़ी सारी हेल्प मिली हमें बिकॉज इन्होंने पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उसके यू नो संदीप जी के लाइफ में क्या क्या टर्मोइल चल रहा था, हाउ ही वॉज एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, वो बात कैसे करते थे, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई. एंड आई वॉज वो कहते हैं ना ओवरवेल्म्ड कि एक एक्टर के ज़िंदगी में कई रोल आते हैं लेकिन कुछ रोल ऐसे होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं एंड यू फील वेरी प्राउड. आई थिंक माई सन ऑल्सो विल बी वेरी प्राउड कि यू नो आई एसेड द रोल ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एंड आई से इट विथ सो मच प्राइड वेन एवर आई से इट कि आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज. जस्ट वंस इट इज़ अ सेंसिटिव इशू नॉट ओनली फॉर मुंबईकर्स बट आई थिंक एवरीबडी इन इंडिया कि इंडिया पर ऐसा अटैक कैसे हो सकता है. एंड जैसे कि मैंने प्रेस कॉन के टाइम पे भी कहा था कि मैं टाउन में पला बड़ा हूँ, मेरा कॉलेज वहाँ था, मैं इन सारी जगहों पर जा चुका हूँ और तो मेरे लिए एक आई थिंक फॉर एवरी इंडियन वाज अ पर्सनल अटैक ऑन देमसेल्व्स. तो बहुत इमोशंस इन्वॉल्व है. मुझे याद है मैं एक सीन कर रहा था जब मैं ऑफिसर्स को यू नो वाज पेपिंग देम अप एंड सच में आँखों में आंसू आ गए वो बोलते बोलते. एंड दैट्स द काइंड ऑफ पैशन एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व
with in this show, in this series, and everyone is putting in their best effort. Thanks to him, we keep repeating that, but everybody personally also wants to give it their best, ताके जब ये series आए तब लोगों को पता चले कि NSG के perspective से क्या क्या हुआ जो अब तक नहीं दिखाया गया है. So that's what we want people to know. आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि आप स्टोरी से अट्रैक्ट होते हैं. कैरेक्टर तो आपका बाद में आता है क्योंकि वो हिस्सा होता है स्टोरी का. कर्नल सुनील शेरोन जिनका पार्ट मैं प्ले कर रहा हूँ वो कमांडिंग ऑफिसर थे इस यूनिट के जो दिल्ली से आई थी एज एन एनएसजी यूनिट रेस्क्यू करने के लिए. और उनके टीममेट थे कर्नल हमारे संदीप सेन साहब रियल लाइफ में भी. और उनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वो एक तो थोड़ा सा आई थिंक एनएसजी की आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में आप बढ़ चढ़ के आगे बात करेंगे. दे कम दे क्लीन स्वीप दे डू देयर जॉब एंड दे लीव. और सेन साहब ने हमें बताया कि जैसे सुनील शेरोन कर्नल साहब हैं वो एक ब्रेव हार्ट थे और एक उनको एक खिताब दिया गया था बुलेट कैचर का क्योंकि दो बार किसी तरह से एक नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हुई थी उसमें ही वो शॉट दो बार ऑलमोस्ट डेड होने के बाद इस तरह की यूनिट को कमांड करना वो अपने आप में एक काबिल तारीफ है. उनका कैरेक्टर तो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ही कि हम लोग आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि मैं उनका पार्ट प्ले कर रहा हूँ. और जो एनएसजी की यूनिट ने मुंबई शहर के लिए किया हिंदुस्तान के लिए किया और जो हमारे सिटीजन्स उस सिचुएशन में थे उनको बचाने के लिए जो एफर्ट्स किए उसके बारे में मेरे को लगता है दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी था. और ज़रूरी इसलिए भी था कि आम लोगों को आम तौर पे सिर्फ एक 26/11 के बारे में मालूम है मगर कहाँ किस तरह से जिसको बोलते हैं हु व्हेन व्हाट वेयर व्हाई ऑल द 5 W's वो आपको इस सीरीज से पता लगेगा. दिस वाज आफ्टर ऑल द 9/11 ऑफ इंडिया. 26/11 वाज द 9/11 ऑफ इंडिया एंड हाउ वी कॉन्कर्ड दैट हाउ वी ओवरकेम द इशू एंड रेस्क्यूड द सिटी ये है. और इस सीरीज़ का पार्ट बनना और इस तरह के किरदार को प्ले करना जो रियल लाइफ में अभी भी हीरो हैं अभी भी वो मणिपुर में सर्व कर रहे हैं आई थिंक वो एक मेरे लिए ऑनर है. ओके सर आपसे जानना चाहेंगे ये 26/11 मूवी भी आई थी अभी वेब सीरीज आ रही है तो इसमें क्या डिफरेंस होगा 26/11 मूवी से? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आज तक जो भी मूवी बनी है या शोज बने हैं या फिल्म बनी हैं जो भी बना उस कंटेंट में क्राइसिस को दिखाया है विक्टिम्स को दिखाया है बट क्राइसिस हु टर्मिनेट्स द क्राइसिस उनकी कहानी नहीं है. ये कहानी है जो उस क्राइसिस को ख़त्म करते हैं कैसे करते हैं उनके क्या चैलेंजेस थे उनकी क्या स्टोरी है ये है. आप ना दैट्स ऑल आई फिनिश्ड. आई थिंक द चार्ज शीट वॉज आई थिंक ऑल ऑफ देम आर गुड इन देयर ओन वे. दूसरे लैंग्वेजेस में वो उतना समझ नहीं आया बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक चार्ज शीट वॉज एक्साइटिंग. आई थिंक द लाइन ऑफ डिसेंट वॉज वेरी यू नो कैची. रंगबाज अगेन फिर से आई थिंक everyone has their own journey और वो कहते हैं ना you can't judge a book by its cover. So you'll have to actually watch all the series. Trailers सारे ही अच्छे होते हैं but you have to actually watch and give an honest opinion about whatever you like. Guys, we take the last. Thank you. So रंगबाज की अगर बात की जाए तो पहला सीजन तो सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था. रंगबाज तो मैं क्या नया देखने मिलने वाला? और ज़्यादा पसंद करेंगे लोग और क्या नया मतलब ये मैं जिमी शेरगिल सभी नए इसके कोई पुराना नहीं है. सारे नए लोग हैं. डायरेक्टर पुराना नहीं है. We are all newcomers. सिर्फ राइटर पुराना है बाकी सब. All newcomers. बाकी फिर आप देखेंगे कैसे इसको अगर बता देंगे तो. देखो कहानी सिंपल ऐसी है कि कोई भी इंसान क्रिमिनल बन के पैदा नहीं होता वो परिस्थितियों से क्रिमिनल बन जाता है. तो थीम ही इस शो का वो है. तो कैसे जिमी सर की लाइफ
چینج ہوتی ہے اور کیسے وہ کرمنل بنتے ہیں, کون 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 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, کون کون لوگ ہیں جو ان کے ورد ہیں, اور اس شو میں کیا کیسے وہ رائز کرتے ہیں, یہ شو ہے رنگ باز, اور کیسے ان کا آگے فیوچر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا. میرا کہاں پتا چلا, ان کا زیادہ ہے مجھ سے ہے نا, ٹریلر میں میرا زیادہ کچھ پتا ہے, میں سرپرائز پیکٹ ہوں اس میں, ہم سبھی سرپرائز ہیں, میں صرف اس میں تیرا تو پھر بھی زیادہ ہے, تین شاٹ ہیں سر ٹوٹل, ان لیے میں ہاں تین شاٹ ٹوٹل, میرا تو ڈارک میں آتا ہے نکل جاتا ہے, تین شاٹ ہم لوگ نگلیکٹڈ ایکٹرز ہیں اس شو میں, ابھی دھیرے دھیرے ریویل ہوگا, آگے اور ریویل ہوگا, سو چھپا کے رکھا گیا ہم کو. میں نے دیکھا نہیں یار, سوری, آپ نے دیکھا سر؟ نہیں میں نے, میں نے بھی نہیں دیکھا, ڈائلاگ بہت اچھا, تو رائٹر سیم ہے تو ڈائلاگس تو اچھے ہونے ہی ہونے ہیں, سدھارتھ ہے اس کو ابھی بیسٹ رائٹر کا اوارڈ بھی ملا تھا, کریکٹ میں, اور اس میں بھی بڑے نئے نئے اچھے اچھے ڈائلاگ ہیں, اور وہ تو کمال کا ہے, تھوڑی الگ ہے اس بار کیونکہ وہ الگ ہے, راجستھانی ہریانوی مکس ہے, تو ایک الگ لہجہ ہے, ایک الگ پیٹرن ہے ڈائلاگس کا, ہمارا ایک ڈائلاگ کوچ بھی تھا, ایکسلنٹ کوچ مہادیو کر کے ہمارے ڈائلاگ کوچ تھے, تو اس بار ایک الگ طریقے کا ایک سویگ دیکھنے کو ملے گا پورے شو کے اندر, ہر ایک کے اندر, ہر ایک کریکٹر میں, اس کے بعد آپ کہیں گے آپ ہمارا سویگٹ نہیں کرو گے. ہم سب ٹھیک ٹھاک ایکٹر ہیں, ہم سیٹ پہ کر لیتے تھے, ہم سیٹ پہ سیٹنگ ہو جاتی تھی, ہم سب جیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک سیٹنگ کر رہے تھے نا, سب سب مجھے مطلب میں تو نیو کمر تھا, باقی سب سینئر ایکٹرز میرے ساتھ میں تھے, یہ سب سے یہ بہت نیو کمر ہے, سب سے ویسے ان کا لیٹسٹ چھترپتی شیواجی مہاراج سب سے جونیئر ہیں ان سب میں, یگ میں نے ڈائی کرنا, میں نے ڈائی کرنا چھوڑ دیا, تو میں نے میں نے میں نے شو میں سب سے پہلے سب کی عمر پوچھ لی کہ کون ہے, میں نے کہا شاید میں ہی سب سے چھوٹا لگ رہا ہوں اس کے اندر, تو مجھے میں 57 ہوں, یہ 56 اور 8 اس سے سینے کی بات تھوڑا چل رہی ہے, سینہ میرا ہے 56 انچ کا, میں نے کہا منع کیا, ایسی 56 انچ والی باتیں نہیں کرو, سوری کٹ کٹ پلیز. چھترپتی شیواجی مہاراج, چھترپتی شیواجی مہاراج, یہ لو ابھی ایک اور وائرل ہوا تمہارا, ارے نہیں 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 تو الگ الگ سمے پہ شوٹ کیا ہوا ہے, آبویسلی میں نے تانا جی شوٹ کی تھی پچھلے سال اور اس سال کے شروعات میں, اور رنگ باز ہم نے ابھی شوٹ کیا ہے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے, تو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑی اس ٹرانسفارمیشن کی, بکاز ایسا نہیں تھا کہ میں آج یہ شوٹ کر رہا ہوں وہ شوٹ کر رہا ہوں, یہ ایکچولی صحیح بولوں نا, یہ بڑا اٹپٹا سوال لگتا ہے کیونکہ ہم سب ایکٹرز ہیں اور یہ ہمارا یہ ہمارا کام ہی ہے کہ ہم کو الگ الگ کردار ہم کر لیتے ہیں, کتنا مشکل تھا, اگر آسان ہو تو کریں گے کیوں, آسان ہوگا تو پھر وہ جو کم کم کیلیبر والے ایکٹر ہیں نا جو زیادہ پیسے لیتے ہیں وہ ان سے کروا لیں گے. سوری ابھی ہم رنگ باز کی بات کر رہے ہیں, لوگ رنگ باز کی بات کر رہے ہیں یار, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, نہ میں رسپانسبل ہوں نہ مجھے صفائی دینے کی ضرورت ہے, وہ آپس میں نپٹ لیں, مجھے کیا کرنا ہے, صحیح بات. تو میں لیکن میں تھوڑا میں نے تھوڑا نا کچھ ایسا میرے کو ایک میرے کو رول دیا گیا, کچھ بھی کنٹروورشل میں نے میں نے وہ رول ادا کیا پوری ایمانداری کے ساتھ, وہی میرا کام ہے, اور جنتا بھی وہی دیکھنا چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی سے جھگڑا کروں کسی کے ساتھ یا کچھ کروں, میں بڑا شریف فیملی والا آدمی ہوں. اوکے تھینک یو.